वे2ब्रेन डीएमआईटी प्राइवेट लिमिटेड परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपका परिचय एक अद्भुत इनोवेटिव कॉन्सेप्ट से करवाते हैं, जिसका नाम है डीएमआईटी, यानी डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। डर्मेटोग्लाइफिक्स का मतलब है फिंगरप्रिंट का वैज्ञानिक अभ्यास। डर्मेटोग्लाइफिक्स का वैज्ञानिक इतिहास करीब 350 वर्ष पुराना है। इसमें रिसर्च का डेटा एवं परिणाम के दस्तावेजी सबूत करीब 200 साल पहले के पाए गए हैं। डॉक्टर हारोल्ड क्यूमिंस को डर्मेटोग्लाइफिक्स का पिता माना जाता है। उन्होंने मानव शास्त्र, भ्रूण विज्ञान, न्यूरोविज्ञान एवं आनुवंशिकता जैसे क्षेत्रों का अभ्यास करके मानव हाथ की उंगलियों पर पाए जाने वाले पैटर्न का विश्लेषण किया है। उन्होंने इसी पैटर्न के आधार से रोग आनुवंशिकता से भी संबंध स्थापित किया है, जिससे डाउन सिंड्रोम की सही भविष्यवाणी करके दिखाई है। डर्मेटोग्लाइफिक्स परीक्षण या डीएनए जीनेटिक फिंगरप्रिंट का वैज्ञानिक अभ्यास है। हर एक व्यक्ति के डीएनए दूसरे से अलग ही होते हैं, इसलिए सभी के फिंगरप्रिंट भी अलग ही होते हैं। क्रमशः शोधों के बाद के वर्षों में डर्मेटोग्लाइफिक्स के सिद्धांत को बनाया गया, जिससे पूरे विश्व में अभ्यासक्रम एवं मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों में अपनाया गया है। इस शोध से शैक्षणिक जगत में क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है। सिंगापुर, चीन, मलेशिया, हांगकांग, थाईलैंड, ताइवान में शिक्षण क्षेत्र के अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एवं कामदारों को नियुक्त करने के लिए डर्मेटोग्लाइफिक्स का उपयोग किया जाता है। अब हम ये टेस्ट कैसे होता है उसकी जानकारी लेते हैं। यह टेस्ट एक बायोमेट्रिक स्कैनर से व्यक्ति की 10 उंगलियों की छाप कंप्यूटर से ली जाती है। इन फिंगरप्रिंट का शुद्ध वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है और उसके ऊपर से रिपोर्ट बनती है, जिसे गोपनीय रखा जाता है, और उसके ऊपर से यह रिपोर्ट आपके या आपके बच्चे के बारे में क्या बताती है वह समझने में वे2ब्रेन डीएमआईटी तज्ञ आपकी मदद करते हैं। जब फिंगरप्रिंट के विश्लेषण की बात आती है तो लोगों को दो प्रश्न जरूर आते हैं। पहला प्रश्न यह आता है कि क्या यह एस्ट्रोलॉजी है, तो इसका जवाब है ना। थोड़ा हम स्पष्ट कर ले कि हम कोई भी प्रकार की एस्ट्रोलॉजी या भविष्यवाणी नहीं करते हैं। वे2ब्रेन डीएमआईटी की तरफ से नियुक्त व्यवसायी तज्ञ इस रिपोर्ट का अध्ययन करके रिपोर्ट को समझने में और आपके प्रश्न का हल ढूंढने में आपको मदद करते हैं। दूसरा ये प्रश्न होता है कि हमारे फिंगरप्रिंट और दिमाग का क्या रिश्ता है, तो इसका जवाब ये है कि भ्रूण के विकास की प्रक्रिया के 13वें से 19वें सप्ताह में भ्रूण के दिमाग का विकास होता है। इसी दौरान भ्रूण की फिंगरप्रिंट भी बनती है। एक अज्ञात परीक्षण के दौरान रिसर्चकर्ताओं को ये ज्ञात हुआ कि नवजात शिशु में दिमाग का अस्तित्व नहीं था और साथ में उस बच्चे के हाथों में फिंगरप्रिंट भी उपलब्ध नहीं थे, और ऐसा कहीं किस्सों में देखा गया है। अतः ये साबित होता है कि दिमाग एवं फिंगरप्रिंट का आपसी सीधा संबंध है। इसके साथ साथ डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने अपने पुस्तक द फ्रेम्स ऑफ माइंड में जानकारी दी है कि हर व्यक्ति में अलग अलग 9 प्रकार की बुद्धि क्षमता यानी कि इंटेलिजेंस कम या ज्यादा मात्रा में पाई जाती है।
अब हम डर्मेटोग्लाइफिस से होने वाले फायदे को समझते हैं। पहले पेरेंट्स को होने वाले फायदे की जानकारी लेते हैं। इस टेस्ट से आप अपने बच्चे की जन्मजात खूबियाँ, उनकी विविध कार्यक्षमता, स्वभाव एवं विविध क्षेत्र में बच्चे की प्रतिभा को पहचान सकते हैं। आप यह जान सकते हैं कि अपना बच्चा किस प्रकार से देख के, सुन के या अनुभव करके सही एवं सहज तरीके से कोई भी शिक्षा सीख पाएगा। बच्चे की मानसिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होने से आप अपने बच्चे के साथ अधिक अच्छी तरह से वार्तालाप कर सकोगे एवं आप और आपके बच्चे का रिश्ता अधिक बेहतर बना सकोगे। आप अपने बच्चे को उच्च अभ्यास में, उचित कोर्स पसंद करने में एवं उसके श्रेष्ठ करियर बनाने में मदद कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे के लिए उसकी क्षमताओं के आधार पर उचित कोर्स का चयन पहले से ही कर लेते हो तो विविध अर्थहीन कोर्स कराने से बचा सकते हो, जिससे समय एवं धन के व्यय से भी बचा जा सकता है। उचित कोर्स न करके ढंग की कैरियर न बनने से बच्चे में पैदा होने वाली हीन एवं दुख की भावनाओं को दूर रखा जा सकता है और उसकी नैसर्गिक शक्तियों का लाभ लेते हुए सही विकास हो सकता है। વ્યક્તિની ઇનબિલ્ટ કેપેસિટી શું છે, ત્યાં સુધી આપણને બધાને પ્રશ્ન રહેતો હોય છે કે આ આગળ જઈને શું કરી શકશે, શું બની શકશે, ભણી શકશે કે નહીં ભણી શકે, આ બધા જવાબ આનાથી મળી શકે છે. આની અંદર ઇન્ટેલિજન્સી ખબર પડે છે, સ્કિલ ખબર પડે છે, અને બેઝિક નેચર ખબર પડે છે, અને વર્કિંગ કેપેસિટી ખબર પડે છે. ભણશે તો કેટલું ભણશે, અને ભણ્યા પછી કયું કરિયર ચોઈસ કરશે, કરિયર ચોઈસ કરશે પછી આગળ કયો બિઝનેસ કરશે, જોબ કરશે, આખી એની લાઈફ સ્કિલ આવી જાય છે. कैरियर की पसंद के लिए यह टेस्ट एक रेफरेंस की तरह उपयुक्त है। अपनी रुचि और खूबियों के अनुरूप समय एवं धन का व्यय रोककर सही सब्जेक्ट चुनकर अपनी पसंदीदा कैरियर पा सकते हो। મારે તો હું સ્ટડી કરું છું, ટેન્થની એક્ઝામ આપી છે, અને મારા મનમાં જે એક કન્ફ્યુઝન હતું કે આગળ એક્ઝામ આપીને કઈ લાઈન પકડું છું, એમ તો સાયન્સ છે, કોમર્સ છે, ડિપ્લોમા છે, આર્ટ્સ છે, પણ અહીંયા આવીને મારી ફિંગરપ્રિન્ટથી સ્કેનર કરાવ્યું અને અમને મને જણાવ્યું કે સાયન્સ જે ફેકલ્ટી છે એમાં મારું જે મને વધારે એન્ટરટેનમેન્ટ છે, અને આગળ જઈને એમાં જે ડૉક્ટરીની લાઈન છે, એન્જિનિયરિંગની લાઈન છે, એમાં મારું સારું ધ્યાન થઈ શકે છે, એટલે આગળ જતા મને ભવિષ્યમાં કામ લાગે અને મારું એ લાઈનમાં એક નામ બની શકે. મેરા નામ પૂર્વે છે, મેં અમદાવાદ કે નરોડા વિસ્તારમાં રહેતા હું. મેને પઢાઈ પૂરી કરને કે બાદ મેં બહુ પરેશાન રહેતા હતા કે મુજે ક્યા કરના ચાહિએ, ક્યા નહીં કરના ચાહિએ. ઉસકે બાદ મેં આઠ જો ધંધો લગતા હાથ આજમાયા, ફિર ઉસમે મુજે નિષ્ફળતાએ મિલી. ઉસકે બાદ મેને બ્રેન મેપિંગ કરવાયા, બ્રેન મેપિંગ રિપોર્ટ માં આયા કે મેરા એક્ટિંગ લાઈન મેં કરિયર બન સકતા હૈ. તો એ બાદ મેં આપણે ઘર વાળો કો સમજાય, તો મેરી મમ્મી ને કહા કા એ રિપોર્ટ 15 સાલ પહેલે નિકાલી હતી. તો હકીકત એ કે મેં છોટી મોટી એક્ટિંગ કરતા હું, દો સિરિયલ આ ચૂકી ઓર 3 પાઇપલાઇન મેં હું. તો મેરા એ નિવેદન હૈ સભી લોગો સે કે છોટી ઉમ્ર મેં બ્રેન મેપિંગ ટેસ્ટ કરવા લેના ચાહિએ. मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ. पिछले 36 साल से मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ. विद्यार्थियों को 12वीं पास करने के बाद आज 10,000 से भी ज्यादा कोर्सेज उपलब्ध है. तब किस कोर्स में जाना ये एक दुविधा हो जाती है, जबकि इस रिपोर्ट कराने के बाद में ये बहुत आसान हो जाता है कि विद्यार्थी की शक्ति किस कोर्स में जाने से ज्यादा उपयोग में आ सकेगी. मेरे कहने से कई विद्यार्थियों ने ये रिपोर्ट करवाया है और करवाने के बाद में देखा गया है कि वे विद्यार्थी काफी खुश है रिपोर्ट कराने के बाद और अपने क्षेत्र में कम मेहनत करके काफी आगे बढ़े हुए हैं. मेरा नाम बता दीपिका है और DMIT डर्मेटोग्लाइफी मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये एक ऐसा टेस्ट है जिसे करवाने से इंसान को अपने बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है. मैं खुद टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ी हुई हूँ. मैंने अपने कई सारे स्टूडेंट्स का रिपोर्ट करवाया है.
जब स्टूडेंट का काउंसलिंग हुआ तो उनके मन में जितने भी कंफ्यूजन थे वो सारे क्लियर हो गए, जैसे कि किस तरह से पढ़ना चाहिए तो परसेंटेज ज़्यादा आएंगे, कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए, उनको डांस लेना चाहिए या फिर फुटबॉल या फिर क्रिकेट में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। इतना ही नहीं, काउंसलिंग के बाद ये रिजल्ट इतना अच्छा मिला कि उनके पेरेंट्स ने भी रिपोर्ट करवाए, मैंने खुद भी अपना रिपोर्ट करवाया है। और मैं ये मानती हूँ कि ये रिपोर्ट सिर्फ करियर सिलेक्शन में ही नहीं मगर पर्सनल लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल रहता है। Myself Polita Solanki, I have completed my MA in psychology and I am psychological counselor. मैं बहुत साल से काउंसलर की फील्ड में काम कर रही हूँ और ये DMIT टेस्ट के लिए भी मैं काउंसलिंग करती हूँ। ये टेस्ट एक ऐसी टेस्ट है जो जब सबके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसी तरह वयस्क एडल्ट व्यक्ति को होने वाले लाभ की जानकारी लेते हैं। अपने आप को सही मायने में जानने के लिए एवं स्वमूल्यांकन के लिए यह टेस्ट किया जाता है। इस परीक्षण से आप जीवन साथी की या व्यवसाय में सही पार्टनर की उपयुक्त पसंद कर सकते हो। आप अपने जीवन साथी को सही तरीके से समझकर उनके कैरियर को विकसित करने में उनकी मदद कर सकते हो एवं एक दूसरे को पूर्णतया समझ लेने से आपका वैवाहिक जीवन भी संवार सकते हो। इस परीक्षण से आप अपनी उन खूबियों या कमियों से परिचित हो सकोगे जिनसे आप अभी तक अनजान हो और इस जानकारी से लाभ ले सकते हो। मेरा नाम बलस्वासी है, प्रॉपर राजस्थान से हूँ। जब ये DMIT टेस्ट के बारे में रिपोर्ट के बारे में मैंने जाना तो सबसे पहले मैंने खुद का एक रिपोर्ट निकाला। जब वो रिपोर्ट निकाला तो काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी मुझे उस रिपोर्ट के माध्यम से मिली, जैसे कि मेरे अंदर जो वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में मुझे जानकारी मिली थी, जिसके अंदर आदमी वो वीकनेस को निकाल के स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट कर पा रहा हूँ। दूसरी एक जानकारी मुझे ये मिली थी, ज़्यादातर मेरा एक प्रॉब्लम हुआ करता था कि मैं विचार बहुत सारे करता था और प्लानिंग बहुत कम था। आज ये रिपोर्ट के माध्यम से जितने भी मैं विचार करता था, ये करना है वो करना, वो सारी चीज़ों को हैंडराइटिंग के साथ आज प्लानिंग में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ और मैं अपने क्षेत्र के अंदर अपने बिजनेस के अंदर प्रॉपर तरीके से बहुत आगे बढ़ रहा हूँ। दूसरी चीज़, एज ए काउंसलर तरीके मेरा कैरियर दिखाया गया था रिपोर्ट के अंदर, आज मैं एज ए काउंसलर तरीके Way2Brain के अंदर वर्क भी कर रहा हूँ। थैंक्स टू DMIT और Way2Brain। मेरा नाम कौशिक पांडे है, मैं बिजनेस मैन हूँ और मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। मैंने मेरा और खुद के मेरे दो बच्चों का ब्रेन में इंटरेस्ट हो रहा है, जिसकी काउंसलिंग द्वारा मुझे एक अद्भुत जानकारी मिली और उस जानकारी के जरिए मैंने मेरे दोनों बच्चों के परिणाम में एक अद्भुत रिजल्ट पाया है। और मैं इस रिपोर्ट के द्वारा मैंने मेरे बिजनेस में और मेरे सांसारिक जीवन में बहुत सारी खुशियाँ पाई है। मेरा मानना है कि इस रिपोर्ट हर व्यक्ति को करवाना चाहिए, इसका मेरा एक अंगत सुझाव। इसी तरह संस्था एवं कॉरपोरेट कंपनियों को भी फायदा हो सकता है। आइए हम और आप उस फायदे की भी जानकारी लेते हैं। संस्थाएं अपनी संस्था के लिए योग्य उम्मीदवार का चयन करने के लिए इस परीक्षण का उपयोग कर सकती है और उससे अपना मुनाफा बढ़ा सकती है। संस्था में सक्षम कर्मचारी का संचय करने में और उनको सही तरीके से प्रोत्साहित करने में यह परीक्षण उपयुक्त है। संस्था के संचालक एवं कर्मचारी के बीच में असरदार वार्तालाप करने में यह परीक्षण उपयुक्त है। मैं दीपक मकवाना हूँ, अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ और मैं पिछले 22 साल से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में हूँ, जहाँ पर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, MBA और इंजीनियर्स के साथ में डील करता हूँ। साथ ही साथ मैं एक हिप्नोटिस्ट हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और एक ग्राफोलॉजिस्ट हूँ। ग्राफोलॉजिस्ट मतलब कि आप व्यक्ति के हस्ताक्षर के ऊपर से उनकी प्रकृति क्या है, उनकी खूबी क्या है, उनकी खामी क्या है, ये हम लोगों को बताते हैं। अब तक क्या होता था कि करियर काउंसलिंग के लिए जितने लोग मेरे पास आते थे उनके लिए मैं एक तो एप्टीट्यूड टेस्ट यूज करता था, साथ ही साथ मैं एस्ट्रोलॉजी यूज करता था और साथ ही साथ मैं ग्राफोलॉजी यूज करता था। लेकिन इसके अंदर मुझे जो रिजल्ट जो मिलते थे वो 80-90% के बीच में मिलते थे, लेकिन जब से मैंने DMIT का उपयोग इसके अंदर चालू किया तब से मुझे 100% रिजल्ट मिलने लगे, बिकॉज उनको उनकी खूबी और खामी से मैं अवगत कराता हूँ, उनकी कैरियर में उनको क्या करना चाहिए ये मैं उनसे बताता हूँ। तो ढेर सारे यूथ का काउंसलिंग करने के बाद, उनकी खूबी और खामियों से अवगत कराने के बाद, अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हर एक स्टूडेंट को, बल्कि मैं थोड़ा आगे जाके ये कहूँगा कि हर एक इंसान को ये DMIT रिपोर्ट निकलवाना ही चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है एक मिरेकल है, अद्भुत रिपोर्ट है, बल्कि ये
भगवान का आशीर्वाद है। मेरा नाम रसिक रुकासिया है, मैं गांधीनगर से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांधीनगर में सुपर मार्केट है और मेरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। मैंने ये DMIT रिपोर्ट करवाया। ये रिपोर्ट करवाने के बाद मुझे ये पता चला कि मेरे में कौन सी शक्तियाँ कितने प्रमाण में पड़ी है और मेरा जो पास क्वेश्चन है वो कितने प्रमाण में। वो जानने के बाद मेरा बिजनेस के प्रति डिसीजन और फैमिली के प्रति डिसीजन में पूरा बदलाव आ गया और डिसीजन बहुत शार्प हो गया। मेरा हर एक बिजनेसमैन को रिक्वेस्ट है कि ये DMIT रिपोर्ट अपना करवाए और अपने जाल को पूरे अच्छी तरह गहराई से जानिए। डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट द्वारा अपने अंदर छिपी हुई जन्मजात भौतिक क्षमताओं, व्यक्तिगत संवेदनशीलता एवं अपनी खूबियों को जान सकते हैं। इस टेस्ट से कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों की क्षमताओं को जानकर उसके अनुसार अपने अंदर बदलाव ला सकता है, जिससे अपने या अपने बच्चे के जीवन को इच्छित आकार दे सकते हैं। Way2Brain DMIT सही मायने में एक पथदर्शक का कार्य करता है, जो व्यक्ति को अपने ध्येय पूर्ति के लिए योग्य निदर्शन करता है।